पूर्व मंत्री जीएस बाली अपने विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों में जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर संपर्क साध रहे हैं। उसी कड़ी में जीएस बाली ने पंचायत बलधर, जसोर और पंचायत रोकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले और बूथ कमेटियों का गठन किया। उन्होंने कहा कि अब पंचायतों को और बूथ लेवल तक सुदृढ़ किया जाएगा। जीएस बाली ने कहा कि ऐसे जागरूकता शिविर वे पहले भी कई बार चलाते आ रहे हैं। उसी कड़ी में वे अब भी बूथ स्तर पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लगातार उनसे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जो इलाकों की मुश्किलें हैं वे वन टू वन उनके सामने आए और उनको वे समाधान करने का प्रयास करेंगे। जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश में तीन चार बड़े मुद्दे हैं, उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है जिससे नौजवान हताश हो रहा है। ये मेरा जो पहले भी प्रोग्राम चलता था कि अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली कॉन्टेक्ट विद अवर बूथ लेवल वर्कर, तो बूथ के ऊपर संपर्क साधा जाता है हमारे कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ता लगातार मेरे संपर्क में रहे। इलाके की जो मुश्किलात हैं वो वन टू वन मेरे सामने आए और उनको समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होनी है उसके लिए बोल देते हैं और जो हम पर्सनल लेवल पे कुछ कर सकते हैं मदद उसका भी पूरा प्रयास रहता है कि पर्सनल लेवल पे मदद हो सके। मगर सबसे बड़े जो तीन चार मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसानों को जो मुश्किलात आ रही हैं और नौजवान जो आज हताश हो रहा है उसके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सीमेंट प्रदेश में पैदा हो रहा है, प्रदेश के बाहर सस्ता है, प्रदेश में महंगा है। बिजली प्रदेश में पैदा हो रही है, प्रदेश में महंगी है, बाहर सस्ती बिक रही है। तो ये इश्यूज़ जो हैं ये हम लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका फीडबैक उसके ऊपर ले रहे हैं। तो जनता के बीच में रहना जरूरी है, तो ये मेरा जो है बूथ लेवल संपर्क अभियान जो है वो चला हुआ है।